का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज लिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म में सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म, अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व
स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।